तो आज हम बेसिकली स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की वजह से ब्लैडर हमारी जो यूरिनरी सिस्टम पे उस पर क्या इफेक्ट आता है वो हम समझेंगे, और थोड़ा डिटेल में समझेंगे तो आपको भी अपना जो ब्लैडर रिलेटेड प्रॉब्लम्स है वो मैनेज करने में, टैकल करने में आप खुद भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो पाओगे, और उसकी वजह से आपको भी ज़्यादा थोड़ा समझ आएगा, करने में मज़ा आएगा और काम इजी लगने लगेगा। अभी जैसे कैथेटर मैनेज करना किसी और की हेल्प लेके करना पड़ता है, वो सब की वजह से थोड़ा कंबरसम हो जाता है और खुद नहीं कर पाते, और एक हेडेक रहता है कि ये करना है वो करना है, बैग मैनेज करना है, कैथेटर चेंज करने जाना है, कल किसी को बुलाना पड़ेगा, कैथेटर चेंज करते टाइम कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो गया, यूरिन लीकेज हो रहा है उसमें भी इन्फेक्शन हो गया वगैरह वगैरह जो प्रॉब्लम ले रहते हैं। तो थोड़ा खुद आप भी समझ लोगे तो आपके लिए ये सब ईजी हो जाएगा। ये मैं आपको ऊपर ऊपर से सारा समझा रहा हूँ, पर आप भी आपके सारे क्वेश्चन पूछो तो दैट वो ज़्यादा इंटरेक्टिव हो जाएगा और आपके लिए ज़्यादा काम लगेगा वो चीज़ें, आपके सवाल जो भी है। तो बेसिकली मैं आपको एक यूरिनरी सिस्टम हमारा बेसिक क्या रहता है वो समझा, लेज़र पॉइंटर है ऐसा कुछ। ये अपना किडनीज है दोनों, ये मैं आपको बेसिक एनाटॉमी क्या है वो बता देता हूँ। ये अपने किडनीज है दोनों, ये यूरेटर से यूरिन बनता है, ड्रेन होके अपना नीचे यूरिनरी ब्लैडर में आता है। तो ये जो स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज या ब्रेन इंजरीज जो भी नर्व रिलेटेड इंजरीज है वो मोस्टली अफेक्ट करता है अपना ये ब्लैडर को, क्योंकि ब्लैडर वो बहुत नर्वस सिस्टम ड्रिवन एक ऑर्गन है कि उसका कॉन्ट्रैक्शन करना होता है, वो भी रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन करना होगी, जैसे कि हम जब यूरिन पास करने गए उसी टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन होना चाहिए, नहीं कि और कोई और टाइम पे। तो ये जो रिदम उसका है वो अपसेट हो जाता है आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी या ब्रेन इंजरी, तो दैट लीड टू द प्रॉब्लम्स कि हमको यूरिन या तो पास नहीं होता या फिर बार बार लीकेज होता रहता है। ठीक है, ये उसका रिदम जो चेंज हो जाता है उसकी वजह से होता है। तो बेसिकली उसमें समझने के लिए अपने तीन कंपोनेंट है, एक तो ये अपना ब्लैडर है, ब्लैडर का मसल जो रहता है डेट्रूजल मसल, जैसे अपना बाइसेप्स रहता है वो ब्लैडर का मसल है डेट्रूजल मसल, जो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट करके यूरिन को बाहर पुश करता है। ठीक है, और एक दूसरी दो चीज़ें रहती है, दो वाल्व रहते हैं, एक इंटरनल स्फिंक्टर और एक्सटर्नल स्फिंक्टर, मतलब इंटरनल वाल्व एक्सटर्नल वाल्व, मेल में दो रहते हैं, फीमेल में सिंगल रहता है एक्सटर्नल वाल्व। तो बेसिकली ये जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उस टाइम पे अपना वाल्व खुला रहना चाहिए, दैट इज़ द नॉर्मल मैकेनिज्म। ठीक है, कि जब ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है वाल्व खुल गया, पूरा ब्लैडर एम्प्टी हो गया, उसके बाद वापस से वाल्व बंद हो गया, तो वाल बंद हो जाता है तो फिर दूसरी बार जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता तब तक वो खुलता नहीं है तो लीकेज नहीं होता है, ये अपना नॉर्मल रिदम हो गया। तो स्पाइनल कॉर्ड इंजरी में जब भी कौन से लेवल पे इंजरी है उसके हिसाब से ये रिदम अपना अपसेट हो जाता है, और दैट लीड्स टू द प्रॉब्लम कि जैसे किसी को यूरिन बंद हो गया है, किसी को बार बार जाना पड़ता है, किसी को खाली आधा ब्लैडर ही खाली होता है, पूरा ब्लैडर खाली नहीं हो पाता है, और किसी को ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है पर वाल नहीं खुल रहा था, उसकी वजह से बैक प्रेशर से पूरा ऊपर किडनी में चला जाता है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स काउंटर होते हैं। तो उसके लिए दो बेसिकली अपने स्पाइनल कॉर्ड रहते हैं, उसमें दो सिस्टम्स रहते हैं, एक ब्रेन का सिस्टम और एक अपना पूरा स्पाइनल कॉर्ड का सिस्टम। तो उसमें कौन से लेवल पे अपने को इंजरी हुआ है वो मैटर करता है कि ब्लैडर कितना डिसफंक्शन उसका कितना होगा। जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में छः बिल्कुल नीचे, जैसे कि ये, तो उसको हम इंफ्रासैक्रल बोलते हैं हमारी भाषा में, मतलब सैक्रम अपना लास्ट बोन है उसके नीचे कॉडा इक्वाइना वाला जो एक बंच रहता है स्पाइनल कॉर्ड का, वहाँ पे जो इंजरी हुआ है या फिर उसके बाद में जो ब्लैडर तक नर्व्स ले जा रहे हैं ये वाले सारे नर्व्स, उसमें इंजरी हुआ है, वो सारे लोअर मोटर न्यूरॉन इंजरीज बोलते हैं। बेसिकली उसमें क्या होता है कि ब्लैडर का सेंसेशन चला जाता है, तो ब्लैडर को मालूम नहीं पड़ता कि अंदर यूरिन कितना पड़ा है, और जब वो ब्रेन भी उसको सेंस नहीं कर पाता है तो ब्रेन भी उसको कोई संदेशा नहीं भेज सकता है कि कब कॉन्ट्रैक्ट होना है, कितना कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो वो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होना भूल जाता है, सेंसेशन भूल जाता है, तो उसकी वजह से रिटेंशन हो जाता है कई पेशेंट्स को। ठीक है, तो मतलब यूरिन पास नहीं हो रहा था, उसके केसेस में हमको कंटिन्यूस कैथेटर रखना पड़ता है। दूसरी चीज़ है कि सुप्रासैक्रल, ये सैक्रम बोन है उसके ऊपर वाला जो भी किस्सा अपना हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड का डैमेज होता है वो सबको बोलते हैं सुप्रासैक्रल लीजन्स, जिसको हमारी भाषा में बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन पाल्सीज, जिसमें ब्लैडर स्पास्टिक हो जाता है, वो ओवर कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। तो ओवर कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, इश्यू क्या होता है कि गलत टाइम पर कॉन्ट्रैक्ट होता रहता है, तो उसकी वजह से ये लीकेज होता रहता है। एक टाइम पे लीकेज इज़ गुड कि वो हम कंट्रोल कर सकते, चलो लीकेज हो रहा है तो ये अपने खाली सॉइल हो रहा है, वो हम कुछ भी करके मैनेज कर सकते हैं, कॉन्डोम कैथेटर से या डायपर लगा के ऐसे। पर समटाइम्स क्या होता है कि दूसरी तरह का तकलीफ क्या है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पर ये वाल्व खुल नहीं रहा है, डिससिनर्जिया हो रहा है, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे अंदर का 40 प्रेशर नॉर्मल रहता है
और अभी वाल भी खुल नहीं रहा है, ब्लेडर भी ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो प्रेशर पूरा शूट हो जाता है, 100 तक चला जाता है। उसका हमको गैर फायदा क्या होता है, डिसएडवांटेज, ये यूरिन यूरेटर से वापस किडनी में जाने लगता है, तो ये अपने लिए अच्छी चीज़ नहीं है, तो इसको हमको रोकना है। ये तीसरी तरह की तकलीफ हो गई। बेसिकली ये तीन तकलीफ होती है किसी की, या तो फिर ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हो रहा है, किसी का ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है बार बार उसकी वजह से लीकेज हो रहा है, और किसी का बार बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है पर वाल खुल नहीं रहा है तो वो बैक प्रेशर कर रहा है। तो ये सब चीज़ें अपने को कॉम्प्लिकेशन करते हैं, जैसे कि बार बार इन्फेक्शन होना या किडनी का फंक्शन डैमेज होना, स्टोन होना, और वेरी लॉन्ग टर्म चांसेस ऑफ कैंसर, बट वेरी रेयर, रूटीन में जो है उससे थोड़े बढ़ जाते हैं, बट वो अगर ध्यान नहीं दिया है तो, जैसे कि बहुत लंबा इन्फेक्शन खींच गया या स्टोन बहुत टाइम से अंदर पड़ा रहा है, हम नेग्लेक्ट कर रहे हैं, तो ये सब हो सकता है। तो ये सब चीज़ों की वजह से अपने को क्या प्रॉब्लम होगा, मेन इश्यू रहता है यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, मतलब कि ये जो कैथेटर हमको जो बार बार डालना पड़ता है या लंबे टाइम से जो कैथेटर अंदर रहता है, तो कोई भी फॉरेन बॉडी अपने बॉडी में रहेगी तो उसके आजू बाजू में इन्फेक्शन ग्रो होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलते हैं। उसके लिए अपने को कैसे मालूम पड़ता है कि जैसे बर्निंग हो रहा है, फीवर आ रहा है, ब्लड जा रहा है, या क्लाउडी यूरिन आ रहा है, उसमें से स्मेल आ रहा है, वो अलग अलग चीज़ें जिससे हमको मालूम पड़ता है, और हम उसका ट्रीटमेंट बेसिकली एंटीबायोटिक से करते हैं या फिर कैथेटर चेंज कर देते हैं। दूसरे कॉम्प्लिकेशंस क्या रहते हैं कि उसके आजू बाजू के ऑर्गन्स जो है, जैसे कि मेल में प्रोस्टेट रहता है, टेस्टिस रहता है, वो सब थोड़े इन्फेक्ट होते हैं। फीमेल में वजाइना है, ऊपर यूट्रस है, उसमें मतलब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं उसकी वजह से। दूसरी चीज़ है ब्लैडर स्टोन, जैसे बताया कि लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन की वजह से स्टोन फिर फॉर्म होने लगता है, कि यूरिन बराबर एम्प्टी नहीं हो रहा है, तो अंदर जो सॉल्ट्स है वो इकट्ठा होकर फिर स्टोन बनाने लगते हैं। और तीसरी चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि रीनल इम्पेयरमेंट, मतलब किडनी का फंक्शन पे डैमेज, जो बैक प्रेशर चेंजेस हो रहा है, यूरिन अगर जिसमें वापस जा रहा है, प्रेशर ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से जो होता है उसको रीनल इम्पेयरमेंट, जिस क्रिएटिनिन, जैसे आप किसी को तो मालूम होगा कि रूटीन इन्वेस्टिगेशन में क्रिएटिनिन भी जो देखते रहते हैं, सोनोग्राफी करके किडनी में सूजन आया है कि नहीं वो भी देखते रहते हैं, तो वो सब इंडिकेटर है कि अपने को क्या एक्ट करना है, कैसे करना है। तो बेसिकली अपना एम स्पाइनल कॉर्ड इंजरी के बाद यूरिन ब्लैडर में क्या रहता है कि अपने को अपर ट्रैक मतलब किडनी और यूरेटर, उसको सेव करना है। ब्लैडर को तो हम किसी भी तरह से रिकवरी धीरे धीरे जो आने वाली है, जैसे कि न्यूरॉन की सारी मसल की आने वाली है, ऐसे ही ब्लैडर के मसल की आने वाली है, और वो धीरे धीरे आएगी, पर तब तक अपने को क्या करना है कि ये सब चीज़ें बचानी है, किडनी को बचाना है, यूरेटर को बचाना है, जो बैक प्रेशर चेंजेस हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, दैट इज़ ओके, बट वो अगर फैल रहा है अगर आजू बाजू में या ब्लड्स में, दैट इज़ नॉट गुड फॉर अस, तो वो सब इन्फेक्शन। और तीसरी चीज़ कि कंटिनेंस मतलब क्या कि यूरिन अपना रोक पा रहा है, जैसे सोशल फंक्शन में गए तो बैग लेके जाने का किसी को पसंद नहीं आता है, कि या फिर बैग मैनेज करना किसी को पसंद नहीं आ रहा है, अगर कैथेटर निकाल लिया तो उसके बाद लीकेज होता है, तो वो अच्छी चीज़ें नहीं है, तो उसका कंट्रोल कैसे करना है वो अपना गोल रहता है, कि कंटिनेंस कैसे रखना है। तो बेसिकली ये सब चीज़ों के लिए अपने को इवेल्युएट करना पड़ता है। तो इवेल्युएशन कैसे करते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट का आफ्टर स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, तो बेसिकली एक वॉइडिंग डायरी मेंटेन करते हैं हम, अगर यूरिन पास कर रहा है तो पेशेंट, नहीं कर रहा है तो उसके अंदर कैथेटर में कितने टाइम पे चेंज करना पड़ता है, कैथेटर निकालने के बाद अगर यूरिन थोड़ा थोड़ा पास कर रहा है तो पीछे कितना रह जाता है, अगर पीछे रह जाता है उसके बाद ब्लैडर में कितना प्रेशर जनरेट करता है वो यूरिन निकालने के लिए, यूरिन अगर निकल भी जाता है दैट्स ओके, बट बहुत ज़्यादा प्रेशर से निकलता है दैट्स नॉट गुड, तो उससे अच्छा है कि हम उसमें कैथेटर रख दें। तो उसके लिए इन्वेस्टिगेशंस कौन से हैं, हमें मालूम तो पड़ेगा कि चलो ये प्रॉब्लम है कि यूरिन नहीं हो रहा है या लीकेज हो रहा है, पर उसके लिए इन्वेस्टिगेशन कौन से है? तो सबसे पहले बेसिक रहता है कि यूरिन का एग्जामिनेशन या फिर कल्चर टेस्ट, जिससे हमें मालूम पड़ता है उसमें इन्फेक्शन है कि नहीं। दूसरी चीज़ है कि क्रिएटिनिन, जो इंडिकेट करता है कि किडनी का फंक्शन कैसा अपना चल रहा है, वो नॉर्मल चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तीसरी चीज़ है उसमें यूरोडायनेमिक स्टडी जो मैं बोला रहा हूँ, वो बेसिकली प्रेशर चेक करती है, ब्लैडर की हेल्थ क्या है वो चेक करती है, कि ब्लैडर यूरिन निकालते टाइम में कितना प्रेशर जनरेट करता है, वो प्रेशर जनरेट करने के बावजूद कितना यूरिन निकलता है, उसका फ्लो का रेट क्या है वो चेक करता है, और लास्ट में पीछे यूरिन कितना रह जाता है वो चेक करता है। तो ये पूरा अपना यूरोडायनेमिक स्टडी बोलते हैं। और तीसरा है कि यूरिनरी ट्रैक का इमेजिंग, मतलब सोनोग्राफी, कि किडनी में सोनोग्राफी करके चेक करते हैं कि उसमें यूरिन वापस जाने की वजह से कोई सूजन तो नहीं है, हमारी भाषा में उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस बोलते हैं बेसिकली, वो है कि नहीं वो चेक करते हैं।
तो ये सब चीज़ें मालूम पड़ गई, अपने ने पिन पॉइंट कर लिया कि जैसे कि किसी को ए रिफ्लेक्सिक मतलब कि पूरा फ्लैसिड ब्लैडर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, या किसी को ज़्यादा हाइपर रिफ्लेक्सिक ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, यूरिन ट्रैक में पीछे यूरिन जा रहा है उसकी वजह से, तो एक लेवल ऑफ इंजरी अपने को मालूम पड़ जाता है। किडनी का फंक्शन कितना है वो क्रिएटिनिन से मालूम पड़ जाता है, और ब्लैडर का कितना फंक्शन है वो अपने को यूरोडायनेमिक से मालूम पड़ जाता है। और उसके बाद में हम पेशेंट को प्लान बताते हैं कि आपको ये करना चाहिए, या कैथेटर कंटिन्यूस रखना चाहिए, या कैथेटर अगर निकाल रहे रहे तो कंटिन्यूस इंटरमीटेंट कैथेटर सेल्फ इंटरमीटेंट कैथेटराइजेशन, जैसे कि हर 4 घंटे पे खाली कैथेटर डालते हैं, नेलेटन यूरिन निकाल देते हैं और ख़त्म, ऐसा हर 4 घंटे पे खुद से ही पेशेंट जिग जाते हैं, क्योंकि अगर अपर आर्म उनका नॉर्मल है तो ये चीज़ें सारी कर सकते हैं। पहले तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की, जिसमें अगर यूरिन पास कर रहे हैं जो पेशेंट्स की, जिसमें ब्लैडर फ्लैसिड मतलब कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो उसमें थोड़ा पुश करके या बैठ के थोड़ा आगे झुक के यूरिन करने के लिए, या एब्डोमेन पे स्ट्रेन करके यूरिन करने के लिए बोलता है, जिसको हम वाल्सल्वा मैन्योर कहते हैं, पर वो सभी लोगों में इफ़ेक्टिव नहीं होता है। दूसरी चीज़ है कि इंटरमीटेंट कैथेटराइजेशन, जो मैंने अभी बताया कि सेल्फ इंटरमीटेंट कैथेटराइजेशन और कंटिन्यूस कैथेटर, ये अपना रूटीन कैथेटर है, सबको मालूम होगा, ये फॉलिस कैथेटर की वो इंसर्ट करते हैं, अंदर बलून इन्फ्लेट करते हैं और फिर पड़े रहने देते हैं, और एवरी मंथली और 1.5 मंथ या 15 डेज जो भी है अकॉर्डिंगली इन्फेक्शन है तो चेंज करते हैं। ये अपना यूरोबैग भी कई लोग यूज़ करते हैं, और कैथेटर केयर कैसे करते हैं, दैट शुड बी योर क्वेश्चन। ये सभी लोगों को ये होता है कि कैथेटर एक बार चलो डाल दिया, उसके बाद केयर कैसे करना है वो सब, और कितनी फ्रीक्वेंसी में चेंज करना है। तो जनरली 1.5 मंथ का कोई भी कैथेटर और सिलिकॉन कैथेटर रहता है, तो उसका 2 से 3 मंथ के बीच का उसका खुद का लाइफ टाइम रहता है। बीच में अगर इन्फेक्शन हो गया या कैथेटर ब्लॉक हो गया तो बीच में चेंज कर सकते हैं। और ये क्लीन इंटरमीटेंट कैथेटराइजेशन, तो अगर हमने को कंटिन्यूस कैथेटर नहीं रखना है, फॉलिस कैथेटर, तो उसका ये ऑप्शन है कि हर 4 घंटे में, हर 6 घंटे में। तो ये हम कैसे डिसाइड कर पाते हैं कि कैथेटर रखना है या ऐसे इंटरमीटेंटली कैथेटराइजेशन करके चलाना है, तो उसके लिए अपने को यूरोडायनेमिक स्टडी करना पड़ता है, जो मैंने बताया था कि ब्लैडर का प्रेशर चेक करता है। अगर सेफ ब्लैडर है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट नहीं कर रहा है, बैक प्रेशर नहीं जा रहा है किडनी में, तो उन लोगों को हम कैथेटर ये सिखा सकते हैं कि बीच बीच में हर 4 घंटे 400-500 ml यूरिन इकट्ठा होता है तो वो निकाल सकते हैं। तो बेसिकली पेशेंट कमोड पे बैठ के या आगे थोड़ा झुक के खुद से ही वो कैथेटर क्लीन करके, वो एरिया पूरा क्लीन करके, स्टराइल करके, जेली यूज़ करके कैथेटर अंदर डालता है, यूरिन करने के बाद उसको बाहर निकाल देता है। और उसके अलावा फार्मेकोलॉजिकल मतलब ड्रग से हम उनको कितना हेल्प कर पाते हैं, तो कई ड्रग्स आते हैं कि जैसे वो हाइपर रिफ्लेक्सिया वाले पेशेंट्स हैं जिसमें ब्लैडर का ट्रूजर मसल जो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, तो उसको थोड़ा शांत करने के लिए ड्रग्स आते हैं, जिनको हम कोलिनर्जिक रिसेप्टर ब्लॉकर या एंटी क्लोरिनर्जिक मेडिकेशंस बोलते हैं, जिसकी वजह से वो इनकंटिनेंस जिनको बार बार जाना पड़ता है उसमें कंट्रोल आ जाता है, और ज़्यादा मसल कॉन्ट्रैक्ट की वजह से जो बैक प्रेशर चेंजेस होते हैं उसमें थोड़ा कंट्रोल आ जाता है। और एक और चीज़ है बोटुलिनम टॉक्सिन, जो हाइपर रिफ्लेक्सिक जो ब्लैडर होते हैं बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्स देते हैं, तो बोटुलिनम टॉक्सिन देके हम उसको पैरालाइज कर देते हैं टेम्पररी, तो बेसिकली अपना किडनी का फंक्शन तो बच जाता है उसकी वजह से, तो हमारे लिए ये मेन गोल है, बाकी वो बाकी रिकवरी तो अपने आप धीरे धीरे आ जाती है। और उसके अलावा कई पेशेंट्स में हम सर्जिकल मैनेजमेंट भी कर सकते हैं कि जो न्यूरॉन्स जो बिल्कुल काम नहीं कर रहा है उसको बार बार स्टिम्युलेशन करके न्यूरोमॉड्यूलेशन जिसको बोलते हैं कि उसमें थोड़ी जान डालने की कोशिश कर सकते हैं, या फिर बिल्कुल काम नहीं करता है तो बाजू में साइड्स में जैसे ग्रेसिलिस मसल्स है उसका ब्लैडर पे रैप कर देते हैं ओवर टाइम फिजियोथेरापी करके, पेशेंट को मालूम पड़ जाता है कि ऐसे अगर पैर अंदर की तरफ करो तो ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो पर वो बहुत सिलेक्टिव पेशेंट्स में हम ये सब यूज़ कर सकते हैं आफ्टर अ थरो इन्वेस्टिगेशन। बेसिकली ये अपने को कैथेटर है छोटी चीज़, बट वो परेशान बहुत करती है स्पाइनल कॉर्ड इंजरीज पेशेंट को, एक बार हम चल नहीं पाते हैं तो और हाथ से भी काम हो जाते हैं, पर ब्लैडर का इश्यू ऐसा है कि कैथेटर केयर के लिए अपने को एक आदमी चाहिए या कोई चाहिए। तो बेसिकली आज का लेक्चर इसीलिए मैं ले रहा हूँ कि आपको ये अपने खुद से कैसे कर सकते हैं, कि कैथेटर भी आप खुद से कैसे डाल सकते हैं, उसके लिए पूरा मतलब एक सेशन लगेगा पर्सनल 1-on-1,
बट ये कर सकते हैं बेसिकली कि क्लीन इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन है तो उसके भी फिक्स प्रोटोकॉल है कि इसे एक डब्बा बनाते हैं उसमें एक नेलेटन कैथेटर रखते हैं, जेली लगते हैं और गॉसपीस बीटाडीन क्लीन करते हैं और डाल देते हैं और वो 2-3 बार सेशन में आप समझ भी जाते हैं उसको कि कैसे करना है। तो आप थोड़े इंडिपेंडेंट हो जाते हैं तो आपका भी कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होता है कि नहीं ये सब कर सकते हैं। कैथेटर चेंज करना है तो वो भी थोड़े आफ्टर सम टाइम पेशेंट खुद सीख जाता है कि कैथेटर कैसे चेंज करना है, बलून इन्फ्लेट डिफ्लेट कर सकते हैं, तो वो सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली ये तो मैंने आपको बेसिक समझा दिया है, पर आपके सवाल आप मुझे पूछोगे तो आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। बताइए क्या आपका नाम क्या है? सर्वाइकल इंजरी। और कैथेटर बैग आपका कब से है? कंटिन्यूस रखते हैं, चेंज करते हैं खुद या हैंड मूवमेंट कितने हैं आपके? ओके। और उसमें आपको क्या इश्यू आते हैं, दिक्कत क्या आती है? कभी लीकेज वगैरह का बाइंडिंग सेंसेशन आता है। ओके, तो आपको क्या दिक्कत है, क्या है जो आप मेरे से सॉल्यूशन चाहेंगे? कोई बात नहीं, आपका बता दीजिए तब तक आप सोच के रखिए। हाँ हाँ, तो कब चेंज करना पड़ता है आपको? एवरी 20 दिन तक चल जाता है, बाद में चेंज करना पड़ता है। 20 डेज इज इनफ। और कई बार क्या होता है कि हम साइट्रस फूड की जैसे कि नींबू है या मौसम्बी है वो थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो जो क्षार की वजह से बेसिकली क्या होता है कि कैथेटर नहीं है तो वो यूरिन के साथ निकल जाते हैं, वो कहीं पे चिपकते नहीं है, पर कैथेटर में वो उसका इनर कोर इतना अपने बॉडी जितना इनर्ट नहीं रहता है कि वहाँ पे आके वो सॉल्ट्स चिपकने लगते हैं या फिर ब्लैडर में भी बनने लगते हैं। तो ये साइट्रस फूड्स जो है अपने थोड़े ज़्यादा रखते हैं या सोडा बाइकार्ब के टेबलेट्स आते हैं तो वो बेसिकली थोड़ा ज़्यादा रहता है तो ये चिपकने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। और कुछ चेंज करते हैं आप? ओके। और कभी आपने वो यूरोडायनेमिक स्टडी वगैरह कुछ करवाया है कि नहीं करवाया? कौन से लेवल पे इंजरी है आपका? L1 से L5 है। और कैथेटर अगर नहीं रखते हैं तो क्या इश्यू आता है आपको? सेंसेशन आता है आपको? ओके। तो बेसिक आपने कोई इन्वेस्टिगेशन करवाया उसके लिए, यूरिन ट्रैक रिलेटेड कुछ भी नहीं? तो आप सब लोगों को मेरा एक एडवाइस है कि एवरी 3 मंथली या 2 मंथली बेसिकली एक सोनोग्राफी किडनी का करवाओ, एक क्रिएटिनिन का लेवल ब्लड में करवाओ और एक यूरिन का रूटीन का कि जो इन्फेक्शन है कि नहीं। और बेसिकली जब स्पाइनल कोड इंजरी कभी भी होता है तो एट द 3 मंथ्स अपने को यूरोडायनेमिक स्टडी करवाना चाहिए कि ब्लेडर अपना कितना सेफ है वो जानने के लिए। फर्स्ट 3 मंथ के लिए तो सारे ऑर्गन स्पाइनल शॉक में होते हैं कि उनकी रिकवरी प्लस माइनस रहती है। आफ्टर 3 मंथ ही वो एक बार स्टेबल होके फिर धीरे धीरे ज़्यादा रिकवर होना चालू करते हैं। तो एट द 3 मंथ हमें एक बेसिक यूरोडायनेमिक स्टडी करवाना चाहिए तो इससे हमें ये आइडिया आएगा कि ब्लेडर ओवर कॉन्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहा है, उसमें हम सेल्फ कैथेटराइजेशन कर सकते हैं कि नहीं, जो एवरी इंटरमिटेंट सेल्फ कैथेटराइजेशन है, तो वो सब अपने को आइडिया आता है। तो एक 3 मंथ में, फर्स्ट 3 मंथ में करवाना चाहिए और अगर इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन अपने में पॉसिबल है तो वो चूज़ करना चाहिए ओवर द कंटिन्यूस कैथेटर, क्योंकि उसकी वजह से क्या होता है कि ब्लैडर का एक रूटीन साइकिल जो कॉमन साइकिल था कि फील होना है 4-5 घंटे के बाद फिर एम्प्टी होना है वो मेंटेन रहता है। तो जब पूरा रिकवरी आता है तो वो उस टाइम पे ब्लेडर की रिकवरी के लिए अपने को अलग से टाइम नहीं देना, ये टाइम अपने को कभी भी देना ही है, आज नहीं तो कल ब्लेडर को रिकवर करने के लिए ये टाइम देना ही है। तो बेस्ट ऑप्शन अपने पास यही है कि अगर इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन हो पाए तो वो अपने को चूज़ करना है। और वो कहाँ से मालूम पड़ेगा कि यूरोडायनेमिक स्टडी करके अपने। तो 3 मंथ जब इंजरी है उसके बाद फर्स्ट 3 मंथ जो ख़त्म होते हैं उस टाइम पर अपने को एक यूरोडायनेमिक स्टडी करवाना चाहिए। तो आपके लिए अगर नहीं करवाया है तो बेटर है कि आप एक यूरोडायनेमिक स्टडी करवाओ, और अगर लग रहा है यूरोडायनेमिक स्टडी के लिए आप इंटरमिटेंट कैथेटराइजेशन एलिजिबल है तो वो प्रीफर करो, दैट विल बी बेटर। बीच बीच में अगर कुछ काम आ रहा है तो एक हफ्ते के लिए कैथेटर लगा लिया ठीक है, पर कंटिन्यूस कैथेटर पे रहना नॉट एडवाइजेबल अगर अपने पास ऑप्शन है तो। आपका किसी और का क्वेश्चन? एक्सरसाइज कर देना 5-5 मिनट में कंट्रोल नहीं कर, इसलिए मुझे लगा।
ओके, और एम टी पूरा हो जाता है कि नहीं होता है? ओके, मतलब आपके किस्से में कैसा है कि वो हाइपर रिफ्लेक्सिया वाला, मैंने जैसे समझाया कि ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है ब्लैडर, उसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, तो आपके इससे में हमें दो चीज़ें जाननी पड़ेगी कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है लीकेज हो जाने के बाद भी पीछे कुछ रह जा रहा है, ज़्यादा यूरिन पीछे रह जाता है तो वो इन्फेक्शन का कॉज बन सकता है, या फिर इतना ज़्यादा तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा है कि यूरिन को वापस किडनी में भेज रहा है। वो दो चीज़ें अपने को जाननी पड़ेगी, वो हम सोनोग्राफी करके यूरोडायनेमिक करके जान सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लीकेज नहीं हो रहा है तो उसमें आपकी वजह, आपके किस्से में एक और भी चीज़ हो सकती है कि पूरा खाली नहीं हो पा रहा है, कि जैसे अपना नॉर्मल कैपेसिटी रहता है 400 ml 500 ml मैक्सिमम, तो वो 200 ml अगर खाली नहीं हो रहा है तो अपना कैपेसिटी फंक्शनल कितना हो गया, 100 ml या 200 ml, कि 100 ml आएगा फिर से यूरिन करने जाने पड़ेगा क्योंकि पूरा तो एम्प्टी ही नहीं हो रहा है जो 300 ml अपना कैपेसिटी है उतना। हाँ, तो उसके किस्से में, आपके किस्से में भी क्या हो सकता है, कर सकते हैं हम कि बीच बीच में कैथेटर करके जब भी फिजिबल हो, जैसे एक्सरसाइज में कई बार नहीं फिजिबल हो पाता है, पर अगर थोड़ा रिकवरी हो रहा है, एक हफ्ता कुछ नहीं कर रहे, तो कैथेटर निकाल के बीच बीच में हम पूरा एम्प्टी कर देंगे, तो ये अपने को जो 300 ml भरने तक का गैप है वो ज़्यादा मिल जाता है, कि 3-4 घंटे तक कुछ करना नहीं पड़ता है, और फिर वापस जब भी वापस थोड़ा भर जाए तो आफ्टर 4 hours 5 hours, जनरली ऐसे पेशेंट्स का शेड्यूल कैसा रहता है कि मॉर्निंग में पहले जब उठे तब एक बार कैथेटर करते हैं, आफ्टर 6 or 7 hours फिर से एक बार कैथेटर करते हैं, और शाम को सोते टाइम कैथेटर करते हैं। हाँ, वो कैथेटर जब आपका डेट्रूजर मसल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो होगा, तो आपके किस्से में वो मेडिकेशन भी थोड़ा आपको फ़ायदा देगी कि कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा कम होगा तो लीकेज के जो एपिसोड्स है वो थोड़े कम हो जाएंगे, और बार बार जो लीकेज हो रहा है वो भी नहीं हो सकता, जो मैंने बताया कि एंटी कोलिनर्जिक बेसिकली जो कॉन्ट्रैक्शन के न्यूरॉन्स आते हैं उसको थोड़ा शांत कर देता है, तो बार बार कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा तो उसकी वजह से आपको फ़ायदा रहेगा। पर आपने भी यूरोडायनेमिक स्टडी एक भी बार नहीं करा? नहीं करवाओ, ये अवेयरनेस ज़रूरी है कि जब भी स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो तो फर्स्ट 3 month के बाद एक बार एटलीस्ट यूरोडायनेमिक स्टडी करवानी चाहिए। दैट्स अ गुड, कि अपने को मालूम पड़े कि अपने कहाँ पे है, कि अब कुछ एक्टिवली करने की ज़रूरत है, नहीं करने की ज़रूरत है, या कैथेटर कंटिन्यूस ही रखना पड़ेगा, अपने पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अपने को बेस्ट ऑप्शन ऑप्टिमाइजेशन है कि इंटरमीडिएट कैथेटराइजेशन करें, इसकी वजह से इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे, ब्लैडर का रूटीन साइकिलिंग चलता रहेगा, रिकवरी थोड़ा फास्ट आएगा। अगर नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट कैथेटर करे तो चेंज कब करे, वो सब चीज़ें, तो एक यूरोडायनेमिक स्टडी और एवरी 2 monthly एक सोनोग्राफी किडनी का और एक ब्लड में क्रिएटिनिन का लेवल, ये 3 चीज़ें तो एटलीस्ट हमें देखनी चाहिए, क्योंकि अगर ये सारा रिकवरी आ गया पर उसके बाद में ये ब्लैडर का फंसा रह गया वो नहीं होना चाहिए। नो डाउट सबको प्रॉब्लम नहीं होते, बट एक पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग कि उसका ख्याल रखना ज़रूरी है किडनी का, ब्लैडर, क्योंकि ब्लैडर सबसे ज़्यादा परेशानी करता है एक बार रिकवरी आने के बाद भी, तो ये थोड़ा ध्यान रखेंगे तो तकलीफ जनरली कुछ नहीं आता है, रिकवरी हो जाता है, बट एक बेसिक कर लेना चाहिए अपने को। हाँ, वो भी एक बार बता दीजिए सो दैट पीपल कैन अंडरस्टैंड एंड टेक केयर द प्रिकॉशन ऑफ सीआईसी। अच्छी चीज़ है, सीआईसी के एडवांटेजेस यही है मैंने जो बताया, कि अपने को इन्फेक्शन नहीं होता है, सेल्फ रिलायंट हो जाते हैं, और ब्लैडर का रूटीन साइकिलिंग चलता रहता है, और इन्फेक्शन जो मेन पार्ट है वो अपने को कंट्रोल करना है। और सीआईसी के डिसएडवांटेजेस भी यही है कि अपने को खुद से बार बार करना पड़ जाता है तो वो थोड़ा कंबरसम प्रोसेस हो जाता है। दूसरी चीज़ है कि अगर हमने उसमें स्टरिलाइजेशन ठीक से मेंटेन नहीं किया तो उसकी वजह से और इन्फेक्शन इंट्रोड्यूस करने के चांसेस हम कई बार बढ़ा देते हैं। कई बार उसमें ऐसा हो जाता है कि अगर ठीक से हम ट्रेन होके नहीं कर रहे तो जो यूरिनरी पाइप है अपना यूरेथ्रा उसमें डैमेज करने के कई बार चांसेस रहते हैं, अगर हमने ठीक से सीखा हुआ है और एक बार ट्रेन हो गए 8-10 बार कर लिया बाद में चांसेस नहीं रहते, बट इनिशियल स्टेजेस में जब ट्रेन हो रहा है उस टाइम पे डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। और तीसरी चीज़ कि जब हाइपर रिफ्लेक्सिक मतलब बहुत ज़्यादा प्रेशर बना रहे हैं जो ब्लैडर्स, उसमें सीआईसी जनरली हम प्रीफर नहीं कर रहे, क्योंकि जैसे ही उसमें यूरिन थोड़ा भी रहेगा वो ब्लैडर ज़्यादा प्रेशर बनाने लगेगा, वो किडनी में जाने लगेगा,
तो इससे किसी में कि जहाँ पे ऑलरेडी किडनी पे सूजन है या क्रिएटिनिन अल्टर्ड है उनका, क्रिएटिनिन मतलब ब्लड रिपोर्ट्स किडनी का जो इंडिकेट करता है वो जो अल्टर्ड है, या एक्यूट इन्फेक्शन अभी चल रहा है, ऑन गोइंग इन्फेक्शन चल रहा है कि जो ब्लड में भी है, तो ऐसे केसेस में हम वो CIC उनको प्रीफर नहीं करते हैं क्योंकि वो उसमें डिसएडवांटेज ज़्यादा हो गया अपने को। सर, 100% अगर इन्फेक्शन है तो कल्चर करवाना ही चाहिए और अकॉर्डिंगली लेना चाहिए। बिल्कुल सही। उसका जो आपका रीज़न है उसको बोलते हैं ऑटोनोमिक डिसरिफ्लेक्सिया। सर्टेन लेवल्स रहते हैं स्पाइनल में, जैसे कि L1 से ऊपर के जो इंजरीज रहते हैं उसमें क्या होता है कि ऊपर नीचे का सिंपैथेटिक कंट्रोल चला जाता है, तो उसकी वजह से नीचे का जो भी थोड़ा भी सेंसेशन आता है, कोई भी सेंसेशन कि पेनफुल सेंसेशन है, जो भी पेनफुल सेंसेशन, तो उसको ऊपर का बॉडी बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है, डिसरिफ्लेक्सिया बोलते हैं कि उसमें नीचे जैसे यूरिन भर गया है या कैथेटर ब्लॉक हो गया, उसके बाद यूरिन भर गया है, कैथेटर कर रहा है या कुछ मूवमेंट सडन हो रहा है, तो उसमें ऊपर के बॉडी में सडन सिंपैथेटिक रिफ्लेक्सेस आ जाते हैं कि परस्पिरेशन होने लगता है, हार्ट बीट बढ़ने लगता है, और उसका वो कितने लेवल में आता है सब में अलग अलग रहता है, कुछ में बहुत कम सिम्टम्स आते हैं, कुछ में बहुत ज़्यादा आते हैं, तो ऐसे केसेस में फिर CIC करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि बार बार वो हम थोड़ा तो स्टिम्युलेशन देते हैं अगर ठीक से नहीं किया है तो। नहीं तो आपके केसेस में डिफ़िकल्ट है CIC के लिए चूज़ करना, कैथेटर कंटिन्यू रखे वही अच्छा रहेगा आपके केसेस में। हाँ, ओवर अ टाइम अगर कैथेटर कंटिन्यूस रहता है तो ब्लैडर मतलब ड्रेन हो जाता है, नो डाउट, 2-3 महीने में, बट उससे अच्छा है कि वो बीच बीच में ब्लॉक करे। तो आपके केसेस में वो एंटीकोलिनर्जिक थोड़ा ट्राई कर सकते हैं, उसकी वजह से थोड़ा कैपेसिटी भी ब्लैडर का बढ़ेगा, 100 ml की वजह से 150 ml तक आप पहुँच पाओगे। नहीं, ऐसा ड्रग्स की वजह से कैपेसिटी नहीं बढ़ेगा, थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन कम करने की वजह से जो बढ़ेगा वो बढ़ेगा, मतलब एज सच पर्टिकुलर कैपेसिटी बढ़ जाएगा ऐसा नहीं है। किसकी वजह से? नहीं, GFR पूरा किडनी का अलग है, किडनी में तकलीफ तभी आएगा जब यूरिन बैक प्रेशर जाएगा, यस, बस, अदरवाइज किडनी में ब्लैडर की वजह से तकलीफ आने के और कोई रीज़न नहीं। कहाँ पे पेन होता है? हाँ, वो उसकी वजह से ही होता है कि ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो पेन आपको परसीव अलग जगह पे हो रहा है, अदरवाइज और कोई रीज़न नहीं है, फॉरेन बॉडी की वजह से पेन थोड़ा बहुत रहता है। नहीं, आपके मैं वही बोल रहा हूँ कि आप में वो डिसरिफ्लेक्सिया है कि ज़रूरत से ज़्यादा रिफ्लेक्स आते हैं पेन में भी, कोई भी, ये आपके सारे अपने नर्वस सिस्टम में 2-3 पार्ट रहते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम रहते हैं कि स्केलेटल नर्वस सिस्टम रहता है, तो सभी में आपका रिफ्लेक्स ज़्यादा आता है कि इतना स्टिम्युलस थोड़ा दिया है, 5 का दिया है पर उसका रिफ्लेक्स आता है 50 का, तो उसकी वजह से ये पेन होना वो सब कॉमन चीज़ है, पर वो धीरे धीरे कम हो जाता है जैसे जैसे रिकवरी आता रहता है पीछे का, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। और कोई? और आप अंदर अंदर बातें भी करते रहेंगे तो जैसे इनको बहुत ज़्यादा मालूम है। आपका नाम? प्रताप। कहाँ पे इंजरी है आपको प्रताप? L2 है। ओके, हाँ, नहीं नहीं, बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे मतलब जो टाइम ज़्यादा है उनको जो भी नॉलेज है आप वो शेयर करोगे तो आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। मैं तो क्या है कि 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा आपके पास रहूँगा, ये पेशेंट्स आपके रहते हैं तो ये ग्रुप्स में आपको फ़ायदा रहता है, तो ये यूरिन का अवेयरनेस बढ़ाइए, बेसिकली मैं आपको बोल रहा हूँ यूरिनरी सिस्टम का केयर कैसे करना है, वो अब मेरा मेन एम है आपको आज को समझाने के लिए। उसका रीज़न ढूंढना है कि क्यों हो रहा है। बेसिकली किडनी का फंक्शन जब भी अल्टर्ड होता है, मोर देन 75% जितना अल्टर्ड हो जाता है तब क्रिएटिन पे इफेक्ट आता है, बट क्रिएटिन पे इफेक्ट आता है मतलब अलार्मिंग है कि अभी कुछ करना पड़ेगा। एक
क्या क्या प्रोटीन क्रिएटिन सप्लीमेंटेशन, हाँ उससे क्रिएटिन बिल्कुल नहीं हुआ और स्टडी में डिटेक्ट हुआ। हाँ नहीं, जनरली अगर अपना बॉडी नॉर्मल काम कर रहा है, किडनी नॉर्मल काम कर रहा है तो बॉडी बढ़ने नहीं देगा। अगर अपना बॉडी में किडनी का फंक्शन बराबर नहीं है तो ही एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेने के बाद क्रिएटिन लेवल ऐसे शूट हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। वो किडनी बहुत ज़्यादा ले रहा है तो उसको फेंक देगा यूरिन से बाहर, वो फिर कुछ काम का नहीं है। तो अगर किडनी का वो जो फिल्ट्रेशन फंक्शन में कुछ गड़बड़ी है तो ही वो बढ़ने देगा, अदरवाइज किडनी विल ट्राई इज बेस्ट कि जितना भी ज़्यादा क्रिएटिनिन उसने लिया है या प्रोटीन जो भी लिया है सप्लीमेंट्स लिया है वो यूरिन के बाहर निकाल देगा। तो अगर नॉर्मल किडनी काम कर रहा है तो नहीं बढ़ेगा। वाटर कंजम्पशन पर डे कितना होना चाहिए? बेसिकली 1.5 लीटर जितना अपना यूरिन आउटपुट रहना चाहिए। कई बार एक्टिविटी ज़्यादा है तो कंजप्शन बढ़ना है, ज़्यादा भी रखना पड़ेगा अपने को, या आप जैसे अभी ये विंटर चल रहा है तो कंजप्शन 2 लीटर या 2.5 लीटर में भी अपने को 1.5 लीटर जितना यूरिन बार, मतलब बेसिकली ये आइडिया है कि 1.5 लीटर अगर यूरिन पास हो रहा है अपने को तो मैक्सिमम मेटाबॉलिक जो अपने वेस्टेज है वो किडनी निकाल पाएगी, क्योंकि उसको भी वेस्टेज निकालने के लिए सम अमाउंट ऑफ यूरिन चाहिए, जो यूरिन उसका बेसिकली मीडियम है कि जिसमें वो डाइल्यूट करके वेस्ट निकालता है। तो 1.5 लीटर इज इनफ यूरिन टू डाइल्यूट द वेस्ट एंड पुट इट आउट ऑफ द बॉडी। वॉश इंटरमीटेंट दे सकते हैं, बट इन्फेक्टेड है तो इन्फेक्शन हो रहा है तो अदरवाइज इरिटेट करने का कोई मतलब नहीं है कि क्या है? अगर कोई प्रिवेंशन के लिए कुछ ले सके? नहीं नहीं, प्रिवेंशन के लिए तो जैसे मैं वही बता रहा हूँ कि क्रैनबेरी है, कि साइट्रस जूस है, यूटीवेल करके मतलब टैबलेट्स आते हैं जो क्रैनबेरी एक्सट्रैक्ट्स है वो सब ले सकते हैं, तो वो दैट इज़ अ प्रिवेंटिव मेजर कि यूरिन का अल्कलाइजेशन थोड़ा बनाए रखेगा तो इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो दैट इज़ अ गुड पार्ट कि ये साइट्रस फूड और क्रैनबेरी जूसेस थोड़े ज़्यादा रखने हैं, तो डेट विल हेल्प यू। बहुत ज़्यादा नहीं, बट यस ऑन अ लॉन्ग टर्म अगर इन्फेक्शन है कि जैसे कि ब्लैडर में इन्फेक्शन है तो वो पूरा पेल्विक पार्ट में थोड़ा थोड़ा बहुत तो इन्फ्लेमेशन की वजह से इरिटेट करता रहता है, तो दैट कैन लीड टू लोअर बैक पेन, नॉट द अपर पार्ट। वो पूरा ऐसे पेल्विस में या पीछे पेन कर रहा है ऐसा लगेगा, बट नॉट इन द अपर पार्ट बेसिकली। तो ये कैसे पता चलेगा, कैसे से ये यूरिन के कारण ही बैक पेन हो रहा है कि नहीं, ये चीज कैसे पता किया जा सकता है सर? यूरिन के मैं हाँ वही बता रहा हूँ मैं, अगर यूडीएस में मेरे को मालूम पड़ेगा कि बहुत हाइपर रिफ्लेक्सिक है तो एक वन ऑफ द इंडिकेटर है कि ये कॉन्ट्रैक्शन की वजह से उसको पेन हो रहा है, या यूरिन का जो रूटीन कल्चर या रूटीन का रिपोर्ट है यूरिन का उसमें इन्फेक्शन है तो वो इंडिकेट करेगा कि उसको बैक पेन उसकी वजह से हो रहा है, या सोनोग्राफी करवाएंगे उसमें अगर उसको किडनी पे सूजन दिखा रहा है तो वो इंडिकेट करेगा कि उसकी वजह से बैक पेन है। अगर ये तीनों चीज़ें नॉर्मल है तो बैक पेन उसकी वजह से फिर नहीं होगा। ठीक है, और कुछ? सर क्रिएटिन लेवल बढ़ेगा बॉडी में तो कैसे मालूम? वो ब्लड रिपोर्ट्स रहता है क्रिएटिनिन का, मतलब जो बढ़ रहा है और अपन रिपोर्ट भी नहीं निकला, हाँ तो कैसे मालूम मेरा बॉडी में कि ये प्रॉब्लम? बेसिकली स्वेलिंग आने लगते हैं अपने को बॉडी, क्रिएटिनिन तभी बढ़ेगा जब किडनी का काम बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, तो जब यूरिन बाहर नहीं निकाल पाएगी उस ऐसे केसेस में किडनी, तो वहाँ पे अपने सारे बॉडी पार्ट्स में वाटर लॉगिंग होने लगता है कि पैर में सूजन आ गया। जनरली किडनी का सूजन है वो अपने फेशियल पफिनेस से पहले स्टार्ट होता है, या अपने को लॉन्ग टर्म क्रिएटिनिन हाई रहे तो ईचिंग होने लगता है, स्किन चेंजेस आने लगते हैं, पर वो लॉन्ग टर्म जो डायलिसिस पे पेशेंट्स हैं उनमें वो चेंजेस दिखते हैं, बाकी फर्स्ट टाइम ऐसे एक्यूट की लेवल जो बढ़ रहा है आप लोग यहां पे जो किसी ने टेस्ट नहीं करा है, मेरे को नहीं लग रहा है कि किसी ने करवाया होगा। नहीं नहीं, कर ज्यादा स्क्रीनिंग करने के लिए एवरी 2 to 3 months करवाने चाहिए। करवा रहे हैं तो बॉडी में क्या सिग्नल जाना पता चलेगा? तुम नहीं नहीं वेट मत करो, सिम्टम आने तक वेट मत करो, दैट विल बी लेट। इतने टाइम से नहीं करवाया? नहीं करवाओ, मैं वही बता रहा हूँ, तो 3 साल से नहीं करवाया सर, नहीं होने में कुछ नहीं हो रहा है, बट ये एक बेसिक स्क्रीनिंग टेस्ट है, तो ये करवाने चाहिए। क्या चेंजेस दिखते हैं कि अपने को उसके लिए आगे? मैं बताया वही बोला कि सूजन आने लगेगी या इचिंग हो रहा है, थोड़ा लस्टर स्किन का चेंज हो रहा है, वो सब होगा,
बट उसके बेटर है कि एवरी 3 मंथली क्रिएटिनिन करवाओ। रिकवरी नव का रिकवरी तो दूसरे मसल्स में जैसे आएगा वैसा ही ब्लैडर का है, उसका कोई डिफरेंट नहीं है। पर उसमें जो कॉडा इक्वाइना है उसमें वो इंटरमीटेंट कैथेटराइजेशन का बहुत अच्छा चांसेस रहता है कि वो फ्लैसिड ब्लैडर है, फ्लैसिड मतलब कोई रिफ्लेक्स नहीं दे रहा है, तो उसका कैपेसिटी भी ज़्यादा रहता है, तो अपना वो दो कैथेटर के बीच का इंटरवल भी बढ़ जाता है कि 6 घंटे की बदले 7 घंटे 8 घंटे 4, अगर 400 cc अपना कैपेसिटी है 500 cc, तो इंटरमीटेंट कैथेटराइजेशन के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं, तो कैथेटर फ्री होने के चांसेस थोड़े ज़्यादा है, और रूटीन साइकिलिंग उसकी वजह से होता रहेगा तो रिकवरी के चांसेस भी थोड़े बढ़ जाते हैं। और बेसिकली वो कोडा इक्वाइना इंजरी वाले ब्लैडर सेफ ब्लैडर बोलते हैं हमारी भाषा में। ठीक है, ओके, चलो, इट्स नाइस इंटरेक्टिंग विथ यू।